हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 20th of December। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इंटू प्राइमरी हेल्थ केयर, लीव नो वन बिहाइंड या फिर प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। आपको बताना है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18th of December को, एंड इट रिकॉग्नाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस फेस्ड बाई माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। आपने देखा इस वर्ष की थीम है प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, एंड दिस स्कीम अंडरस्कोर्स द वल्नरेबिलिटी एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफन एक्सपीरियंस्ड बाई माइग्रेंट्स एंड डिसप्लेस्ड इंडिविजुअल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द लाइफ सेविंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहाँ पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली कैंट, अम्बाला कैंट, कानपुर कैंट या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आयोजित किया गया है दिल्ली कैंट में। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्मी हॉस्पिटल डॉक्टर सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो आर्मी हॉस्पिटल इन दिल्ली कैंट हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ लाइफ सेविंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर अ चाइल्ड डायग्नाइज्ड विद अ रेयर प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। सो अ 7-year-old बॉय वॉज डायग्नाइज्ड विद ARPC-1B, a scarce form of immunodeficiency at 1 year of age। तो इस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया गया है दिल्ली कैंट के हॉस्पिटल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर फूड अडल्ट्रेशन केसेस अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाई NCERB 2022। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार, जो उनका आंकड़ा है उसके अनुसार आपको बताना है कि खाद्य मिलावट के मामलों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना या फिर चेन्नई तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रथम स्थान पर है हैदराबाद। आप यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर फूड अडल्ट्रेशन केसेस एज पर द NCERB डाटा रिलीज्ड। सो आप यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर फूड अडल्ट्रेशन केसेस एज पर द NCERB। इन 2022 आउट ऑफ 291 रिपोर्टेड केसेस ऑफ फूड अडल्ट्रेशन अक्रॉस 19 मेजर सिटीज इन इंडिया 246 केसेस वर रिपोर्टेड इन हैदराबाद अलोन। सो फूड अडल्ट्रेशन की बात करें तो इट पोजेस सीवियर हेल्थ रिस्क एंड द डाटा इम्फेसाइजेज द नीड फॉर स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कॉम्बैट दिस इशू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टीम इमर्ज्ड एज विक्टोरियस इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023 फाइनल अगेंस्ट राजस्थान। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में हुए विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल्स में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी रही है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विनर टीम रही है हरियाणा और रनर अप टीम रही है राजस्थान। आप यहां देख सकते हैं हरियाणा सिक्योर्ड अ नोटेबल विक्ट्री इन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल्स अगेंस्ट राजस्थान।
हर्षल पटेल्स इम्पैक्टफुल स्पेल टर्न द टाइड इन हरियाणाज फेवर अल्टीमेटली लीडिंग टू राजस्थान डिसमिसल फॉर 257। इसके साथ ही सुमित कुमार की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही वो काफ़ी बेहतर रही है, इंक्लूडिंग अ क्विक फायर 28 नॉट आउट एंड 3 विकेट्स बाय गिविंग 34 रन्स विद द बॉल। तो आप ध्यान रखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी में विनर टीम रही है हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेटल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL 2024 ऑक्शन? आपसे पूछा जा रहा है IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं सुशांत मिश्रा, कुमार कुशाग्र, पैट कमिंस या फिर मिचेल स्टार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो IPL 2024 के ऑक्शन में जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं वो हैं मिचेल स्टार्क। आप यहाँ देख सकते हैं मिचेल स्टार्क इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन IPL 2024 ऑक्शन, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय। सो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर वॉज ऑक्शनड फॉर एन आउट एस्टॉन्डिंग 24.75 करोड़ बाई KKR। तो इनको KKR ने खरीदा है अपनी टीम के लिए और ये IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। सो स्टार्क्स रिमार्केबल अचीवमेंट फॉलोड अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग वॉर शोकेसिंग द डिमांड फॉर हिज एक्सेप्शनल क्रिकेटिंग स्किल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दूसरा जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र लीड्स विद द GDP शेयर ऑफ 15.7% ऑफ कंट्रीज टोटल GDP। तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की जिसका GDP शेयर है 9.2%। इसके साथ ही तमिलनाडु थर्ड प्लेस पर है और उसका शेयर है इंडियन GDP में 9.1%। फोर्थ प्लेस पर गुजरात है और फिफ्थ प्लेस पर है वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2023? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में हुई क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2023 में कौन सी टीम विजयी रही है। आपके ऑप्शंस हैं UAE, बांग्लादेश, इंडिया या फिर पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अंडर 19 एशिया कप 2023 में जो विजयी रही है टीम वो है बांग्लादेश की। आप यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश क्रस्ट UAE बाई 195 रन्स टू विन द अंडर 19 एशिया कप इन दुबई। सो ओपनिंग द बैटिंग आसिकुर स्मैश्ड 14 फोर्स एंड 16 इन हिज नॉक ऑफ 129 रन्स इन 149 बॉल्स एज बांग्लादेश पोस्टेड 282 रन्स बाई लूजिंग 8 विकेट आफ्टर होस्ट UAE ऑप्टेड टू फील्ड। तो आप ध्यान रखेंगे अंडर 19 एशिया कप के विनर रहे हैं बांग्लादेशी टीम। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।